सो गाइस कैसे आप सब, आपके सामने खड़ी है 2024 मॉडल एथर की रिस्टा जो कि अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो गाइस इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं कि 2024 मॉडल एथर की रिस्टा में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, कितनी इसमें बैटरी कैपेसिटी मिलती है, कितना आपको राइडिंग रेंज मिलती है, कितना इसका ऑन रोड प्राइस होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेने वाले हैं या लेने की प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो से लास्ट तक बनेगा, वीडियो के लास्ट तक इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सो गाइस अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे आप आने वाली वीडियो को मिस कर सकें। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एथर रिस्टा कितने वेरिएंट में आती है, कितने कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूं कि एथर रिस्टा जो आती है 3 वेरिएंट में आती है और 7 कलर ऑप्शन में इसे लॉन्च किया गया है। तो आज अपने पास है एथर रिस्टा का जेड वेरिएंट है जो 2.9 किलोवाट आवर बैटरी के साथ है, जो मिड मॉडल है। तो वेरिएंट की अगर बात करें तो यह 3 वेरिएंट में है। एथर रिस्टा एस वेरिएंट आती है जो 2.9 किलोवाट और बैटरी के साथ आती है, जो मिड वेरिएंट आती है एथर रिस्टा जेड आती है 2.9 किलोवाट और बैटरी के साथ आती है, और जो इनका एथर रिस्टा जेड टॉप मॉडल है 3.7 किलोवाट और बैटरी के साथ आती है। तो आज अपने पास अभी अवेलेबल है एथर रिस्टा का 2.9 किलोवाट और बैटरी के साथ अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो एथर रिस्टा जो मिड वेरिएंट है जेन मॉडल है, इसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी में 1,57,000 से 1,58,000 के बीच में यह कंप्लीट आपको मिल जाएगी। और भी प्राइस से रिलेटेड जानकारी के लिए आप एथर शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शोरूम का सारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसका एग्जैक्ट प्राइस ले सकते हैं। जैसा कि यह एथर की फैमिली स्कूटर है तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको जो सीट मिल रही है डुअल टोन फिनिशिंग आपके यहाँ पे सीट मिलती है, काफ़ी वाइडर आपको सीट मिली, काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट मिलती है। फैमिली को ध्यान रखते हुए इसको एथर ने डिज़ाइन किया हुआ है तो काफ़ी कंफर्टेबल इसमें आपको सीट मिलती है। यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिशिंग मिलती है। तो एथर इसे को बोलती है फैमिली स्कूटर है तो इसमें आपको वाइडर सीट भी मिल जाती है, डुअल टोन कलर की मिलती है। यहाँ पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल आपको इसमें सीट मिल रही है और इसमें आपको जो सीट हाइट मिलती है 780 mm का आपको सीट हाइट मिल जाती है। और अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस के बारे में। तो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट करिए, इसमें आपको जो बूट स्पेस मिलती है 32+2 लीटर की आपके यहाँ पर अंडर सीट स्टोरेज मिलती है, जो पॉकेट स्टोरेज आपको 2 लीटर का मिलता है। यहाँ पे आपको जो मेन स्टोरेज है आपको यहाँ पर 32 लीटर की आपके यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाती है, जो घर का सामान है इजीली आप यहाँ पे रख सकते हैं, और भी कोई सामान यहाँ पे आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, हेलमेट भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिलती है, तो वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल रही है जो काफ़ी बढ़िया बात है। तो ये सारी चीज़ें स्कूटर में आपको मिल जाती है, अच्छा खासा बूट स्पेस मिले है। और यहाँ पे आपको जो बूट लाइट मिली है गाइस यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे LED बूट लाइट आपको मिली है जो कि स्ट्रेट लाइनिंग आपको मिल जाती है, जो काफ़ी प्रीमियम आपको यहाँ पर मिलने वाली है। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है काफ़ी अच्छी, इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको मिल जाती है। तो फैमिली के हिसाब से काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइनिंग आपको मिल जाता है, काफ़ी वायर सीट मिलती है। यहाँ पे आपको अंडर सीट स्टोरेज भी काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, यहाँ पे भी फुटबोर्ड एरिया के पास भी आपको यहाँ पर अच्छा आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाती है। तो सामान रखने के लिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। यहाँ फ्रंट में आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लगेज हुक मिल जाती है तो यहाँ से आप कोई सामान यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर स्पेस के मामले में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस स्कूटर में। और साइड प्रोफाइल में आपको रिस्टा की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है, रिस्टा जेड की आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिली है। और गाइस यहाँ पे पिलियन बैकरेस्ट भी आपको मिल जाती है जो काफ़ी बढ़िया बात है, और ग्रैब हैंडल कुछ इस तरह के ब्लैक कलर मिलती है। और गाइस इस तरह से इसकी रियर लुक निकल के आती है, जो टेल लाइट आपको मिलती है यहाँ पे LED टेल लाइट आपको मिलती है काफ़ी अच्छी लगती है। मैं इसे ऑन करके आपको दिखा दूँ तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से आपको इसकी टेल लाइट ऑन होती हुई दिखती है, जो काफ़ी अच्छी लगती है देखने में, काफ़ी शानदार लगती है देखने में। यहाँ पे आपको एथर की ब्रांडिंग भी है और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर मिल जाती है, नंबर प्लेट लगने जगह। यहाँ पे आपको जो लाइटिंग मिलती है LED लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि आपको नंबर प्लेट लाइटिंग है LED का यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको काफ़ी बढ़िया फीचर इसमें मिल जाता है। साइड फाइल में आपको रिस्टा जेड की आपको ब्रांडिंग मिली है। और अब आते हैं इसके फ्रंट की ओर, तो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिए। फ्रंट प्रोफाइल है कुछ ऐसा आपको देखने मिलती है, मिरर कुछ इस डिज़ाइन में आपको मिल रही है। यहाँ पे आपको वाइजर कुछ इस तरह की मिलती है और ब्लैक कलर में दिया गया है। और जो एप्रन मिलता है यहाँ पे एथर की आपको ब्रांडिंग मिलती है, यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने जगह। और हेडलाइट की बात करें तो इसमें आपको जो हेडलाइट का सेटअप मिल रहा है कम्प्लीटली आपको यहाँ पर LED हेडलाइट सेटअप मिलती है, LED डियल्स दिया गया है जो काफ़ी अच्छा आपको थ्रो मिल जाएगा इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में। और यहाँ पर आप देखें तो आपको जो फ्रंट में सस्पेंशन मिलती है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिलती है, फाइबर ऑप्टिक आपको यहाँ पर फेंडर मिली है। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको जो डिस्क ब्रेक लगी मिलती है 200 mm का आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिली है, और जो व्हील साइज आपको मिलती है 12 इंचेस का आपको व्हील साइज मिल जाती है। जो आपको टायर मिल रही है फ्रंट में 90x90 12 इंचेस का आपको यहाँ पर ट्यूबलेस टायर लग मिलती है, और जो अलॉय व्हील का कलर आपको मिलता है ब्लैक कलर में आपको यहाँ पर मिली है, और रिफ्लेक्टर आपको मिल जाती है। आते हैं इसके
डिस्प्ले की तरफ, तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे आपको यहाँ पे 7 इंच का आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाती है जो कि टच नहीं मिलता है, काफ़ी अच्छी क्लियरिटी आपको यहाँ मिलती है। इस साइड में आप देखें तो जो कंट्रोल्स मिलता है यहाँ पे हाई लो बीम जॉयस्टिक आपको मिल जाती है, टर्न सिग्नल हॉर्न का स्विच दिया गया है, इस तरह से आपको हार मिल जाती है और डिस्प्ले आपको यहाँ पे इस 7 इंच का डिस्प्ले आपको मिली है, कलरफुल डिस्प्ले आपको मिल जाती है। और इस साइड में आपको रिवर्स मोड, यहाँ पे आपको मोड चेंज करने का स्विच और यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब बात किसके पावर के बारे में, तो इसमें आपको जो पावर मिलेगी 4300 वाट के आपको इसमें पावर मिल जाएगी और जो मैक्स टॉर्क आपको मिलेगा 22 Nm के आपको यहाँ पे टॉर्क मिल जाएगी, तो काफ़ी पावरफुल आपके यहाँ पर मोटर लगी मिलती है। अब बात करें इसके रियर सस्पेंशन और ब्रेकिंग के बारे में, तो रियर में आपको जो सस्पेंशन लगी मिलती है मोनोशॉक एब्जॉर्बर आपको इस स्कूटर में ऑफर किए जाते हैं। और रियर ब्रेकिंग की बात करें तो रियर में आपको जो ब्रेकिंग लगी मिलती है इसमें 130 mm का ड्रम ब्रेक का सपोर्ट आपको रियर मिल जाती है। और वी साइज भी आपको जो मिली है यहाँ पे 12 इंचेस का आपको वी साइज मिलती है, जिस पर आप नोटिस करेंगे जो टायर आपको मिलती है 100x90 12 इंचेस का आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर लगी मिलती है। तो इस तरह से इसकी रियर प्रोफाइल निकल के आते हैं। और गाइस यहाँ पर चेकआउट कर लीजिए, इसका जो टायर प्रोफाइल मिलता है कुछ इस तरह का आपको मिलता है, रोड प्रेजेंस आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। और गाइस इसमें आपको 2 राइडिंग मोड्स आपको मिल जाते हैं, स्मार्ट इको एंड जिप आपको यहाँ पर मोड मिल जाती है। और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको जो फीचर्स मिलती है एथर रिस्टा में ऑटो होल्ड फीचर्स मिल जाती है, रिवर्स मोड आपको मिलती है, मैजिक ट्विस्ट आपको यहाँ पर फीचर्स मिल जाती है, रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो काफ़ी बढ़िया फीचर्स आपको मिलती है। अगर आप थ्रोटल को कम करते हैं तो ऑटोमेटिकली एसेंस करके ब्रेकिंग अप्लाई कर देती है और रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम इसमें अप्लाई हो जाती है। तो गाइस हो गया इसके फीचर स्पेसिफिकेशन की बात, अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन के बारे में। तो इसका जो कर्वेट आपको मिलता है 119 kg का इसका कर्वेट दिया गया है। सीट हाइट आपको मिलती है 780 mm का आपको इसमें सीट हाइट मिलती है। ग्राउंड किस की बात करें तो एथर रिस्टा में आपको जो ग्राउंड किस मिलती है 165 mm का इसमें ग्राउंड किस दिया गया है। और ओवरऑल लेंथ आपको जो मिलती है 1850 mm का इसमें ओवरऑल लेंथ, और विड्थ की अगर बात करें तो इसमें आपको जो विड्थ मिलती है 750 mm का आपको इसकी विड्थ मिल जाती है। व्हील बेस की बात करें तो इसमें आपको जो व्हील बेस मिलेगी 1285 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिल जाती है। सो गाइस इसमें आपको जो बैटरी लगी मिलती है 2.9 kW और की आपको इसमें बैटरी लगी मिलती है, जिससे आप कंप्लीट चार्ज कर सकते हैं 8.3 आवर्स में कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगी। तो चार्ज करने के बाद इसे आप जो राइडिंग रेंज आपको इसमें मिलेगी लगभग आपको 120 km की आपको यहाँ पर रेंज मिल जाएगी। तो सिंगल चार्ज में इसे आप चला सकते हैं 120 से 123 किलोमीटर तक इसे आप चला सकते हैं, जो राइडिंग रेंज आपको मिलेगी 120 से 123 किलोमीटर की आपको इसमें रेंज मिल जाएगी, जो काफ़ी बढ़िया है। अब बात करें इसके प्राइसिंग बारे में, तो एथर रिस्टा जेड जो मिड वेरिएंट है इसका जो ऑनरोड प्राइस पड़ेगा आपको वाराणसी मिलने को आपको 1,57,000 से 1,58,000 के करीब यह स्कूटर अवेलेबल हो जाएगी। और भी प्राइस रिलेटेड जानकारी के लिए आप एथर शोरूम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये रहा एथर रिस्टा जेड 2024 मॉडल का डिटेल भी, जिसमें हमने आपको बताया कि इस स्कूटर में आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी इसकी ऑनरोड प्राइस होने वाली है। सो गाइस कैसा लगा वीडियो, कैसे लेगी यह स्कूटर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में सता ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब होकर और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर ले जिससे आने वाली वीडियो को मिस कर सकें।